वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू का चिल्ला। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है लेकिन बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैंने चार मीडियम साइज के आलू लिए हैं, कच्चे आलू हैं ये। बेसन, कॉर्नफ्लोर, नमक, काली मिर्च, जीरा, यहाँ पे मैं साबुत जीरा का यूज़ कर रही हूँ, और हरी मिर्च। आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले एक बोल लेना है, इसमें हमें अपने आलू को कद्दूकस कर लेना है। मोटे मोटे लच्छे मैंने कद्दूकस कर लिए हैं। अब हमें इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पानी में भिगो के रखना है ताकि जितना एक्सेस स्टार्च है इसका वो निकल जाए, और इससे आपके आलू काले भी नहीं पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे कच्चे आलू का यूज़ कर रहे हैं इसीलिए इसे भिगो के रख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद इसे हमें छान लेना है और 5 मिनट तक रखना है ताकि जितना भी एक्सेस वाटर है इसका वो निकल जाए, ड्रेन ऑफ हो जाए हमारा वाटर। दोबारा बोल में इसे ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। मैं साबुत जीरा का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो जीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। हरी मिर्च 2 चम्मच तक, कॉर्नफ्लोर ताकि क्रिस्पी पन आ जाए हमारा इसमें। बेसन आलू को बाइंडिंग के लिए, नमक स्वादानुसार, और आधी छोटी चम्मच तक काली मिर्च। एक पैन रखना है हमें गरम होने। थोड़ा सा ऑयल ब्रश की हेल्प से हम इसे ग्रीस कर लेंगे अपने पैन को ताकि आलू हमारा चिपके नहीं। अब 1 चम्मच बैटर लेना है और हमें इसे पतला पतला फैलाना है, बिकॉज़ ये हमारा चिल्ला है तो बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पतला पतला हमारा चिल्ला होना चाहिए। लो टू मीडियम फ्लेम तक हमें इसे पकाना है, दोनों तरफ से पलट के पकाना है। जब थोड़ा सुनहरा लाल कलर हो जाए इसका मतलब आपका चिल्ला तैयार हो चुका है। आप चाहो तो ऑप्शनल है, आप अपने मनपसंद वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल और इजी बना रही हूँ ताकि फटाफट तैयार हो जाए हमारी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रेसिपी। आप देख सकते हैं ऐसे ही हमें अपने सारे चिल्ले तैयार कर लेने हैं। बहुत सिंपल, यहाँ पे मैंने चटनी के साथ इसे सर्व कर रही हूँ। चटनी की रेसिपी मैंने पहले से ही शेयर की हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको।